अचानक झटका आया, चीखो पुकार थी हर तरफ, बस हाथ पकड़ने की देर थी और फिर उसके बाद मुझे कोई यानी ये पता नहीं कि क्या हमारे साथ हुआ। अचानक एक आवाज आई और अंधेरा छा गया। The magnitude of the disaster was so colossal and so huge that we couldn't even imagine that this sort of a tragedy can happen to Kashmiris. तो लोग काफी सहमे हुए थे और डरे हुए थे कि क्या होगा। 7 बजे यहाँ पानी आना शुरू हो गया और it took only 20 minutes to reach its level, 20 feet. बड़ी सिंपल सी बात है, आदमी की लड़ाई आदमी के साथ है, नेचर से लड़ सकता है। कॉमन एनमी हमारा डिजास्टर्स है, कभी अटैक कर लिया हमारे ऊपर तो मिलियंस विल डाई। तारीख इस बात की गवाह है कि रियासत जम्मू कश्मीर जलजलों की सरजमीन है। 1555 में जो जलजला आया था वो 2005 के जलजले से भी बड़ा और तबाहकुन जलजला था। जो एक रिटर्न पीरियड थ्योरी जो है, रिटर्न पीरियड ऑफ अर्थक्वेक्स, मेजर अर्थक्वेक्स, ग्रेटर अर्थक्वेक्स, दैट हैज़ बीन कैलकुलेटेड अराउंड 500 ईयर्स इन दिस रीजन। 1555 में 8+ के आसपास अर्थक्वेक रिकॉर्ड हुआ है यहाँ पे पीर पंजाल रेंज में। अगर 500 साल हम गिनेंगे तो 2055 या इसके आसपास मेजर या ग्रेटर कोई आने के चांसेस हैं। जलजलों के बाद हमें ग्लोबल वार्मिंग है, माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, तो उसके असरात भी इसी तरह के लोगों पर मुरतब हो रहे हैं। और ऐसी सूरत में जब सैलाब आते हैं, मुख्तलिफ कुदरती आफात आती हैं, तो लोग एक दूसरे की मदद के लिए जाते हैं, लेकिन इस खत्ते के लोग चूँकि कन्फ्लिक्ट का शिकार हैं, वो तकसीम है, एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। ये देखिए ना, ये जब हम पहुँचे थे 8 तारीख को भूचाल आ गए, तो हम दब गए थे, 4 घंटे हम नीचे अंदर ही रहे जी। जब ये भूचाल आया उसके बाद कई जो मेरे ब्रदर जो मेरे दोस्त के जो लड़के हैं उनके घर के भी काफ़ी आदमी मर गए, उनको दफना करो सीधे आकर हमें लेके लग गया, मैं भूल नहीं सकता कभी। देखिए हम तो 3 लोग थे, मैं, मेरे फादर और मेरे चाचा जी। हम 6th को पहुंचे थे और 8th को सुबह को अर्थक्वेक आया। तो जिस फैमिली में हम रहते थे उस फैमिली में भी इस क्वेक से एक भाई की, एक उनका कज़न ब्रदर था यंग, उसकी डेथ हो गई। एक उनका बेटा था उसकी डेथ हो गई। एक उनके भाई की बीवी थी उसकी डेथ हो गई। एक हमारे चाचा जी, 4 तो सिर्फ घर के अंदर नीचे डेथ हो गई थी। और हालत ये था कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि जिस तरफ से गुजरो तो उधर बॉडीज थी। अफरा तफरी का आलम था वहाँ, एक दूसरे को परवाह ही नहीं थी, लोग देखते ही नहीं थे, बड़ा नफसा नफसी का आलम था। तो वो ज़ख्मी एक तो डेथ हो गई, जो बस्ती लाल टंडन थे, तो उनका जो भाई थे जगदेश लाल टंडन जो वाले साहब के दोस्त थे वो बच के, ज़ख्मी थे, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थे। तो हमें जब इतला मिली तो हमने उस दोस्ती की बुनियाद पर यहाँ से जो है वो बंदे इकट्ठे करके तो उनको लवासी में ले आए। ऐसे कई लोग थे जिनको मैंने देखा ग्राउंड में, कॉलेज ग्राउंड में, जो बेचारों मददगार पड़े हुए थे, सिविल हॉस्पिटल कोलैप्स हो चुका था और इन में भी लोगों की लाशें पड़ी हुई थी और उठाने वाला 48 घंटे तक कोई लाशें नहीं उठा सका था। जो सिविलियन लोग थे जिन्होंने इमदाद पहुंचाई वो दूसरे दिन तीसरे दिन वो पहुंच गए।
اگر سری نگر سے اگر یہ آ جاتی امداد آ جاتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور نہیں تو آٹھ گھنٹے میں یہ امداد مظفر آباد پہنچ سکتی تھی۔ سری نگر کے سیلاب کی جو مجھے سنائی دیا وہاں کی آوازوں میں تو وہ یہ آوازیں تھیں کہ اگر مظفر آباد سے امداد آ جاتی تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا جتنا ہو گیا۔ On 7 September, around 8:30 to 9, around between 8:30 and 9, we heard that the Jhelum, the water from, in Jhelum river has like, pani upar se chala gaya Jhelum ke, so the jo bridge hai uske upar se pani chala gaya, so the whole city was in water. 15 minute mein, do manzil makan pani mein chala gaya. So it was very sudden, and the magnitude of the disaster was so high that we couldn't even comprehend it. اسی دوران میں میں نے ایک لاش دیکھی، کسی عورت کی تھی، وہ دو بچے اس کے باندھے تھے، تین وہ مر چکے تھے، تو وہ ایک ایونٹ ایسا تھا جس سے میں گھبرا گیا۔ 2014 فلڈ واز جسٹ اے 50 ایئر فلڈ، یو نو اٹ واز ناٹ انپریسیڈنٹڈ ان میگنیچیوڈ، بٹ دی ڈیمیج دیٹ اٹ کازڈ واز انپریسیڈنٹڈ۔ ہسٹوریکلی وی ہیو ہیڈ میجر فلڈز ہیئر۔ اف یو لک ایٹ دی یو نو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، آئی مین دی ایریاز انڈر دی Indian control and the areas under the Pakistani control. This is highly mountainous. It is a very beautiful region on the surface of earth. But at the same time, because of its location, any of these natural disasters, if you talk about the earthquakes, if you talk about the floods, if you talk about the landslides, if you talk about the avalanches, you will find that all these disasters are happening here. So huge losses because of the reason that the infrastructure has come up in the floodplains. So there have been a lot of degradation, there have been a lot of land system changes, these wetlands have been converted into urbanized colonies, so that made us more vulnerable. There was a state without a state. The actual state was not there, it was totally collapsed, but there was a parallel state working, and that was the civil society, that was the people of the Kashmir. And you cannot even comprehend, even I couldn't comprehend, that Kashmiri people will be coming up with so much of humility and the sort of courage they showed. It was only locals who have voluntarily appeared and came out from their home, matlab apne gharon se nikle aur kafi kaam kiya unhone, even though they don't knew swimming, either they don't had any tools, sink proof jackets. یہ سیلاب آیا تھا سری نگر میں یار، وہ اس میں لوگ یہاں دلی طور پر چاہتے تھے کہ ہم ان کی مدد کریں، بڑی کوشش بھی کی گئی، ٹرک جو ہے وہ لوڈ ہونے کے باوجود پابندی لگ گئی، نہیں جانے دیا گیا۔ پیپل کوشچن دیٹ اف دیئر کین بی کراس ایل او سی ٹریڈ، اف دیئر کین بی کراس ایل او سی بس ٹراول، وائی ناٹ فار دیم سم سارٹ آف facilities of communicating with their relatives on other side at the time of disasters, why not some sort of learnings about disasters or joint preparations. Dekhiye na to hum zalzalon ko rok sakte hain aur na silab ko rok sakte hain, lekin kam az kam jo ye zalzale aur silab aate hain insani jano ka zaya kam ho aur kam nuksan ho iske liye hum iqdamat kar sakte hain. کوئی بھی مدد کرنے کے لیے آئے گا تو سب سے پہلے پڑوسی ہی مدد کرنے کو آتا ہے، جو لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں وہی ایک دوسرے کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ اب بس سروس چل رہی ہے، آپ کی آر پار تجارت بھی ہے، تو اس کو کسی بھی ایمرجنسی میں یا ہنگامی صورتحال میں ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ انسانی جانوں کا کم از کم نقصان ہو۔ Disaster response and relief is an area that comes later. So in this sense, we can think of developing some joint early warning mechanisms because of the geographical collocation, we can think of developing some joint early warning mechanisms which can be effective for quick response whenever a natural disaster occurs. لائن کے اس پار، ایل او سی کے اس پار وہ کیا کر رہے ہیں، ہم اس پار کیا کر رہے ہیں، ہم نہیں جانتے ایک دوسرے کو، تو
तो यहाँ पे कोलैबोरेशन की एक पॉसिबिलिटी है जो कि सांझा है हम दोनों का. डिज़ास्टर उधर होगा, हम इफेक्ट होंगे. डिज़ास्टर यहाँ पे होगा, पर्टिकुलरली इस अर्थक्वेक. वो तो इंटरनेशनल नेशनल बाउंड्रीज को जानता नहीं. अगर उनके पास कोई टेक्नोलॉजी है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, इसके अर्थक्वेक प्रूफ बना नहीं सकते, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर आर पॉसिबल, हमें शेयर करना चाहिए. जो हमारी कोऑपरेशन है उसको एनहांस करने की ज़रूरत है. कोऑपरेशन इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन एब्सेंट बिल्कुल नहीं. ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो रहा. कि जो रिवर का लेवल है इंडिया में और जो पाकिस्तान में रिवर्स का लेवल है, जो डैम्स का लेवल है पानी का, वो हमें ऑनलाइन अवेलेबल होना चाहिए कि हर 15 सेकंड के बाद या 1 मिनट के बाद वो इंफॉर्मेशन जो है. और वो ये टेक्नोलॉजी अब अवेलेबल है. तो ये कोऑपरेशन अगर हमें क्लाइमेट चेंज के नज़र से देखते हुए कि अब जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि ये ऑनलाइन दोनों कंट्रीज़ आपस में शेयर करें. और उससे यकीनन हमें जो डिज़ास्टर्स को निमटने के लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, लोगों का जानी नुकसान से बचाने के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे को हेल्प मिलेगी. इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ दीज कंट्रीज टू एनकरेज द एक्सचेंज ऑफ एकेडमिक्स, टू एनकरेज द जॉइंट रिसर्च, यू नो. So when an academic from other side of Kashmir or other side of the, you know, border sits with me, we share data, we discuss data, I think that will build a lot of trust and confidence and probably improve the relations between two countries. Conflict has restricted our understanding so much that we are not able to think beyond today. I think disaster is one of the major reasons that where people can come together and like, because it's a shared grief. पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आती ये क्यों ऐसा है. इधर है POK तो उधर है ये कश्मीर, ये है, मुझे समझ नहीं आती ये क्यों है. अगर लोगों को मिलने दें ना तो मैं आपको क्या बताऊँगा, वो किस क्या. अगर वो आकर यहाँ है इस मिट्टी को जो है वो सजदा करते हैं और रोते हैं यहाँ पर, कोई एक तल्लुक रिश्ता है जिसकी बुनियाद पर. ज़मीन तो एक है, लोग एक हैं, वेजिटेशन एक है, फिज़ा एक है, परिंदे एक हैं, कुछ है, सब कुछ एक है. तो फिर ये किस लिए कि जब कुदरत की कोई ऐसी चीज़ आए तो हम अलग कर दें अपने आप को. एट लीस्ट नॉट. ऐसा कभी तो दिल में ना आया गुमान भी, लेगा वो इस तरह से कभी इम्तहान भी. कच्चे घरों ने ढांपा गरीबों को एकदम, यकलख्त मुनहदिम हुए पुख्ता मकान भी. जख्म जिगर तमाम तरो ताजा हैं अभी, इस ताजगी ने बख्शा अजब इत्मीनान भी. कानों में अब भी आखिरी जुमले की गूंज है, हाथों में तेरे छोड़ चले हम जहान भी. जब कोई तीर अपने हदफ को न छू सका, तोड़ी फिर अपने हाथों से गुलजी कमान भी. टूटेगा ऐसा कहे न था कुछ कमान भी, बन जाएंगे मकाबरे इंसान मकान भी.